नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। सबसे पहले लोगों ने नोटबंदी के कहर को झेला, फिर पीएमसी बैंक के कहर को लोग अभी भी झेल ही रहे हैं, और फिर सामने आया तीसरा संकट यानी यस बैंक का कहर। आइए समझाते हैं आपको दरअसल हुआ क्या था। पीएमसी बैंक के बाद यस बैंक के आर्थिक संकट से कोहराम मच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक से निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय कर दी है, जिसे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आरबीआई के ऐलान के बाद से यस बैंक की शाखाओं और एटीएम में पैसा निकालने वालों की भीड़ लग गई है। साथ ही आपको बता दें, आरबीआई के आदेश के बाद से 3 अप्रैल तक 50,000 रुपये से ज़्यादा निकाला जा सकता है। इसके चलते यस बैंक में राजकोट महानगर पालिका भी पैसा फंस गया है। राजकोट महानगर पालिका का खाता भी यस बैंक में है। राजकोट महानगर पालिका ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को जमा करने के लिए साल 2017 में यस बैंक को चुना था। इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया था। इसके बाद यस बैंक में पैसे जमा होते रहे। फिलहाल राजकोट महानगर पालिका के यस बैंक में 164 करोड़ रुपए जमा है। आरबीआई की सख्ती के चलते यस बैंक से एक महीने तक 50,000 रुपए से ज़्यादा निकाला जा सकता है, लिहाजा राजकोट महानगर पालिका में पैसे फंस चुके हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पहले नोटबंदी 2016 के आसपास नोटबंदी का किस तरह से लोगों के पास कहर आई, और ख़ास करके इसमें जो आम लोग थे वो ज़्यादा परेशान हुए। कई लोगों की जाने भी गई और कई लोगों के मन में बहुत सारा डर लगा रहा कि आखिर जो मौजूदा सरकार है, हमारा जो पैसा है, क्या किसी भी सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं। लोगों के मन में डर था, लेकिन लगातार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह लगातार लोगों को समझाते रहे कि आप घबराएं नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि आप घबराएं नहीं रहे, आपका पैसा हमेशा सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद नोटबंदी के बाद आप जानते हैं कि पीएमसी बैंक का एक मामला आया जिसमें कई लोगों के पैसा डूब गए, लेकिन उसके बाद उन्हें तसल्ली दिया गया कि आप महीने में 25,000, उसके बाद धीरे धीरे उनका पैसा बढ़ता रहा। अब सामने जो अब एक खबर आई जो आपने अभी देखा कि यस बैंक का, तो इसके बाद लोगों के मन में और सवाल खड़े हो गए कि अब हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित है, और लोगों के मन में डर है, लोगों के मन में शंकाएं हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को कहा है कि आप घबराएं नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक नहीं हो, क्योंकि आपका पैसा अभी भी सुरक्षित है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से देश में खास करके लोग सरकार पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित अगर है तो फिर बार बार बैंक का ये हाल क्यों होता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।